सो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वैसे मैं हूं नसीहत और आप देख रहे हैं नसीहत ओनली फैन। अगर बाहुबली 3 आई तो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे जैसे बाहुबली फैंस कह रहे हैं। आजकल जहां पर भास अपने अपकमिंग मूवी कल्कि और सलार की बात कर रहे हैं, तो वही उनकी मोस्ट आइकॉनिक मूवी जिसने रिकॉर्ड बनाया था उसकी भी बात होनी शुरू हो गई है। तो आइए जानते हैं आज की क्या होगी हमारी मूवी बाहुबली 3 की कहानी। सबसे पहले तो कहानी की शुरुआत बाहुबली 2 जहां खत्म हुई थी मई से शुरू होगी। जैसा कि हम जानते ही हैं, उसके देव के राज में महिष्मति की प्रजा हो गई थी बिल्कुल परेशान, साथ ही उन्हें गरीबी का भी सामना करना पड़ा। और अब जब महेंद्र बाहुबली महारानी अवंतिका और राजमाता देवसेना के हाथ फिर से आ गया है, राज्य तो देखते ही देखते वो इन सभी समस्याओं का करेंगे समाधान। साथ ही बाहुबली अपने आसपास के सभी राज्यों के साथ मित्रता कर उनके साथ अच्छे संबंध बना लेंगे। और देखते ही देखते महिष्मति पहले जैसी समृद्ध और शक्तिशाली हो जाएगी, एंड साथ ही साथ बाहुबली की नेक्स्ट जनरेशन भी आ जाएगी इस दुनिया में, यानी कि राजकुमारी या राजकुमारी। इस बार इस मूवी में वुमेन एम्पावरमेंट दिखाने वाले हैं, जो कि मोस्टली उनकी सभी मूवीज में होता है। और साथ ही ये वो समय होगा जब हमारा भारतवर्ष में सुल्तान ने ली थी एंट्री। इरसूड इस बार बाहुबली का सामना होने वाला है, सुल्तानों से जिन्होंने की थी मुगल वंश की स्थापना। इसका मतलब यह भी है कि बाहुबली पार्ट 1 में जो शेख असलम का छोटा सा किरदार था, जो कटप्पा के फैन बन गए थे, उनकी भी एंट्री हो सकती है। पर थे तो वो भी सुल्तान, तो क्या वो दोस्त बनकर आएंगे या दुश्मन बनकर, ये देखना दिलचस्प होगा। साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि शेख असलम कटप्पा और महिष्मति की मदद करने के लिए अपने ही लोगों को धोखा दे, पॉसिबिलिटीज काफी सारी। बट साथ ही इस पर बाहुबली पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है, क्योंकि मुगलों के आने के बाद वो खेलेंगे डिवाइड एंड रूल। अभी भी भलाल देव का पिता पिजल देव तो जिंदा ही है, और उसे शास्त्रीय सांग तो पूरी मूवी में कोई और था ही नहीं। अब ऐसे में बाहुबली अपने राज्य और परिवार को कैसे बचाता है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ ही फैंस के बीच इस मूवी से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। और प्रभास के आदि पुरुष के बाद सलार और कल्कि के साथ जो दमदार कमबैक हुआ है, उसके बाद से तो हम यही उम्मीद करते हैं कि प्रभास और राजमौली एक बार फिर से इंडिया के मोस्ट वांटेड प्रोजेक्ट बाहुबली 3 के साथ लौटेंगे। आपका इसके ऊपर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और हाँ, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपने पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा।